हेलो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे किस चीज की, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल डेरिवेटिव। इट मींस जो डिफरेंशियल डेरिवेटिव्स है उसका यूज फिजिक्स में कहाँ कहाँ और किस तरह से होता है। लेकिन उससे पहले हम अपने अगर लास्ट लेक्चर पर जाएंगे तो लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था क्या चीज, एप्लीकेशंस, रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन और डिफरेंशिएशंस के जो फॉर्मूले थे उनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल सीखे थे। तो पहले मैं आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको वो सारे रूल्स जो हैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ, उसके बाद फिर अपन एप्लीकेशंस पे चलेंगे। तो हमने कौन कौन से रूल्स सीखे थे, सबसे पहले हमने सीखा था कौन सा, डेरिवेटिव ऑफ कॉस्टेंट। डेरिवेटिव ऑफ कॉन्स्टेंट, तो जो डेरिवेटिव ऑफ कॉन्स्टेंट, तो इसमें मैंने आपको बताया था कि जो डिफरेंशियल डेरिवेटिव ऑफ कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट का जो डिफरेंशियल होता है वो होता है क्या, जीरो। कोई जो कॉन्स्टेंट है उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूं किस चीज की, डी ओवर डी एक्स सी, सी इज ए कॉन्स्टेंट, तो इसका डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, जीरो। ऐसे ही अगर मैं बात करता हूं डी ओवर डी एक्स पाई, तो पाई का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, जीरो, बिकॉज ऑफ पाई इज अ कॉन्स्टेंट, इट्स वैल्यू इज 22/7, 3.14, तो इसका डिफरेंशिएशन। ऐसे डी ओवर डी एक्स अगर मैं लेता हूं क्या, टू, कोई भी नंबर ले लेता हूँ पॉजिटिव या नेगेटिव, उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो होता है। अच्छा अगर अपन सेकंड की बात करते हैं तो मैंने सेकंड रूल्स बताया था आपको, पावर रूल्स। तो जो पावर रूल्स था, पावर रूल, उसमें मैंने आपको क्या चीज बताई थी कि डी ओवर डी एक्स एक्स टू दी पावर एन, एक्स टू दी पावर एन, तो पावर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, पावर आगे और एक कम करके वापस, तो एन एक्स टू दी पावर एन माइनस वन, ठीक है। अच्छा अब इससे रिलेटेड अपन एग्जांपल देख देते हैं। फॉर एग्जांपल पावर रूल से रिलेटेड कोई भी एग्जांपल ले लो, सपोज दैट डी ओवर डी एक्स वन अपॉन एक्स, तो वन अपॉन एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, डी ओवर डी एक्स एक्स टू दी पावर माइनस वन। अब पावर रूल लगा देंगे, पावर आगे और एक कम कर देंगे तो एक्स की पावर कितना हो जाएगा, माइनस टू, यानी कि इसको अपन लिख सकते हैं माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। ऐसी एक और एग्जांपल अगर अपन इसका देख लेते हैं, जैसे डी ओवर डी एक्स, डी ओवर डी एक्स रूट एक्स, तो ये भी मैंने बता रखा है आपको, तो इसको मैं लिख सकता हूँ डी ओवर डी एक्स एक्स टू दी पावर वन बाय टू, पावर आगे और एक कम कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस वन बाय टू, और इसको नीचे ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस की पावर हो जाएगी, तो ये हो जाएगा वन अपॉन टू रूट एक्स। तो बहुत ही सिंपल तरीका है इसका, इसके जो एग्जाम्पल हैं वो मैंने काफी सारे आपको लास्ट लेक्चर में, अच्छा थर्ड पे चलते हैं। तो थर्ड मैंने आपको बताया था कि अगर अपना जो डिफरेंशियल डेरिवेटिव्स है कॉन्स्टेंट, उसके साथ में कोई वेरिएबल्स भी लगा हुआ है, यानी कॉन्स्टेंट मल्टीपल रूल, कॉन्स्टेंट मल्टीपल रूल, कॉन्स्टेंट मल्टीपल रूल क्या था अपना, डी ओवर डी एक्स, डी ओवर डी एक्स सी और यू, यू कोई मल्टीपल है और सी कॉन्स्टेंट है, तो हम कॉन्स्टेंट को छोड़ के डी ओवर डी एक्स किसका कर देते हैं, यू का, डी ओवर डी एक्स, देखो सी कॉन्स्टेंट है तो कॉन्स्टेंट को छोड़ देते हैं और कॉन्स्टेंट के साथ में जो मल्टीपल है उसका हम क्या कर देते हैं, कॉन्स्टेंट के साथ में जो वेरिएबल है उसका हम क्या कर देते हैं, डिफरेंशिएशन कर देते हैं, तो यू का डिफरेंशिएशन मैंने कर दिया डी यू ओवर डी एक्स। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसका एग्जाम्पल कराता हूँ आपको, तो देखो जैसे डी ओवर डी एक्स सपोज दैट थ्री एक्स स्क्वायर, तो थ्री और एक्स स्क्वायर कितना हो गया 2x, तो ये कितना आ जाएगा 6x,
ऐसे ही एक और एग्जांपल अगर मैं तुम्हें देता हूं, सपोज दैट डी ओवर डी एक्स अंडर रूट टू एक्स, ठीक है, तो ये कितना हो गया, इसको मैं लिख सकता हूं डी ओवर डी एक्स टू एक्स, इसकी पावर कितनी, एक बार पहले पावर रूल लगा देंगे, तो पावर रूल क्या होगा, पावर आगे, अच्छा इसको ऐसे समझ लो, इसकी जगह तुम और कुछ एग्जांपल जैसे हमने ले लिया, सपोज डी ओवर डी एक्स क्या, एक्स तो ए कॉन्स्टेंट है, तो एक्स का क्या हो जाएगा, ए एक्स का वन, तो क्या आंसर आ जाएगा, ए, है ना। तो कॉन्स्टेंट के साथ में अगर कोई वेरिएबल होता है तो अपन कॉन्स्टेंट को छोड़ के किसका डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं, वेरिएबल का। अच्छा जो फोर्थ रूल था वो क्या था, फोर्थ रूल सम एंड डिफरेंस, सम एंड डिफरेंट रूल। तो सम एंड डिफरेंस रूल जो था वो क्या था बताओ बेटा, सम एंड डिफरेंस रूल जो था वो था तुम्हारा कि हम अगर डी ओवर डी एक्स यू प्लस माइनस वी, है ना, तो पहले फर्स्ट का डी ओवर डी एक्स यू का प्लस डी ओवर डी एक्स डिफ्रेंशिएशन किसका, वी का, है ना, दोनों का कर देते हैं वारी वारी से, पहले यू का फिर वी का। अच्छा माइनस होता है तो बीच में यहाँ क्या आ जाता है, माइनस आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अपन ने ले लिया डी ओवर डी एक्स, डी ओवर डी एक्स थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स, कोई भी एक एग्जाम्पल ले लो आप इससे रिलेटेड, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन, है ना, तो पहले हम क्या करेंगे इसका, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन, तो ये अब चलते हैं इसके अंदर, ब्रैकेट के अंदर जाते हैं, तो पहले एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर में पावर रूल लग गया तो क्या हो गया, टू एक्स प्लस टू एक्स का क्या हो गया, वन, और इधर वन का क्या हो गया, जीरो, तो क्या आ गया, टू कॉमन अगर मैं ले लेता हूं तो ये कितना आ जाएगा, टू एक्स प्लस वन, तो ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया। अच्छा फिफ्थ नंबर पे सम एंड डिफरेंशिएशन रूल के बाद मैंने तुम्हें बताया था प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल, अगर हम प्रोडक्ट रूल की बात करते हैं तो प्रोडक्ट रूल में मैंने आपको क्या बताया था, डी ओवर डी एक्स यू इंटू वी, यू को हम क्या मान लेते थे, फर्स्ट डेरिवेटिव, है ना, और वी को सेकेंड, तो ये क्या हो जाता था, फर्स्ट को छोड़ के सेकेंड का डिफरेंशिएशन, यू डिफरेंशिएशन ऑफ वी प्लस वी को छोड़ के डिफरेंशिएशन ऑफ यू, सिंपल तरीका था इसका, है ना। जैसे सपोज दैट फॉर एग्जांपल अपन ने ले लिया क्या, डी ओवर डी एक्स एक्स डी ओवर डी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस वन और एक्स प्लस वन, ठीक है, तो अब इसमें एक फर्स्ट मान लो एक सेकंड मान लो, तो अपन क्या करेंगे इसमें कौन सा रूल लगाएंगे, फर्स्ट को छोड़ के सेकंड का, तो फर्स्ट क्या है अपना एक्स स्क्वायर माइनस वन, इसको छोड़ दिया और डिफरेंशिएशन किसका, सेकंड का, सेकंड में क्या है अपना, अच्छा चलो एक लाइन लिख ले रहा हूँ, डी ओवर डी एक्स किसका, एक्स प्लस वन का, फिर प्लस, फिर सेकेंड को छोड़ के डिफरेंशिएशन किसका, फर्स्ट का, फर्स्ट क्या अपना एक्स स्क्वायर प्लस वन, ठीक है। अब यहां आ जाओ, यहां लिखते रहो, अच्छा इसको दोबारा से लिखते रहो, कोई दिक्कत नहीं, ये लो यहां से ले लेते हैं एग्जांपल अपन, तो ये अपना एग्जांपल क्या था, डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर माइनस वन और एक्स प्लस वन, तो फर्स्ट को छोड़ के एक्स स्क्वायर माइनस वन और डी ओवर डी एक्स किसका, सेकंड का, प्लस सेकंड को छोड़ के डिफरेंशिएशन किसका, फर्स्ट का, और फर्स्ट क्या है एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो करना जरा इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वन, एक्स स्क्वायर माइनस वन, और ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया वन और
वन का क्या हो गया जीरो प्लस, ये क्या है एक्स प्लस वन, और इसके अंदर गए तो ये हो गया टू एक्स माइनस जीरो, तो ये अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वन, और प्लस इसको अंदर कर दोगे तो ये हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर, और इसका इससे हुआ तो प्लस टू एक्स। अब ये इसको मैं एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, ये हो गया थ्री एक्स स्क्वायर और प्लस टू एक्स माइनस वन। तो ये अपना प्रोडक्ट रूल है सिंपल, फर्स्ट को छोड़ के सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड को छोड़ के फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। अगर अपन सिक्स नंबर पर चलते हैं तो मैंने तुम्हें आगे बताया था कौन सा क्वाड्रेंट रूल, तो इसमें है जो क्वाड्रेंट रूल है इसमें तुम्हें क्या था न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर था तुम्हारा, है ना। तो जैसे डी ओवर डी एक्स, डी ओवर डी एक्स यू अपॉन वी, तो हम इसमें क्या करते थे पहले नीचे लेते थे डिनोमिनेटर का स्क्वायर, फिर ऊपर क्या करते थे डिनोमिनेटर को छोड़ के डिफरेंशिएशन किस चीज का न्यूमरेटर का, और माइनस न्यूमरेटर को छोड़ के डिफरेंशिएशन किसका, ठीक है। ये रूल था अपना u और ये v, ठीक। अब इस पे रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं, तो इससे रिलेटेड अगर अपन क्वेश्चन की बात करेंगे तो जैसे अपना फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक क्वेश्चन ले लो, यही ले लेते हैं चलो। ये क्या था d ओवर dx एक्स एक्स स्क्वायर माइनस वन, है ना, और नीचे क्या ले ले रहा हूं मैं x प्लस वन। तो क्या मेथड है, मेथड क्या फॉर्मूला इसका लगाओ जरा, पहले क्या करेंगे इसका स्क्वायर कर देंगे तो नीचे क्या आ जाएगा x प्लस वन का स्क्वायर, ठीक है। ऊपर क्या करेंगे, ऊपर हो जाएगा अपना क्या x प्लस वन इसको छोड़ के किसका d ओवर dx, किसका d ओवर dx हो जाएगा d ओवर dx किसका x स्क्वायर माइनस वन, ठीक है, माइनस फिर x स्क्वायर माइनस वन को छोड़ देंगे, फिर डिफरेंशिएशन किसका, फिर डिफरेंशिएशन हो जाएगा किसका x प्लस वन का, ठीक है। तो करो जरा डिफरेंशिएशन क्या आता है, इसको मैं इधर लिख दे रहा हूँ, ये जो वैल्यू आ रही थी इसकी वो कितनी आ रही थी 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस वन। अच्छा अब इसको करो जरा क्या आता है बताओ जरा मुझे, है ना। तो ये हो जाएगा x प्लस वन और इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2x माइनस जीरो, वन का जीरो हो गया तो ये 2x माइनस जीरो टू है, ठीक है। आगे चलो माइनस यहां एक्स स्क्वायर माइनस वन और ये क्या हो गया x प्लस वन है तो इसका वन आ गया और वन का क्या हो गया जीरो, और नीचे क्या चल रहा है नीचे है अपना x प्लस वन का होल स्क्वायर, ठीक है। अब सिंपल है 2x को अंदर ले लेंगे तो 2x को अंदर लोगे तो तुम्हारा क्या बन जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x क्या बन जाएगा, यहां अगर दिखाई दे रहा हो तो यहां लिख दूं 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x प्लस वन का होल स्क्वायर, और ये हो गया अपना कितना 2x स्क्वायर और माइनस x स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस वन अपॉन x प्लस वन का होल स्क्वायर, तो ये हो गया x प्लस वन का होल स्क्वायर, x प्लस वन का होल स्क्वायर, है ना। और नीचे x प्लस वन का होल स्क्वायर, तो ये दिस इज द वन, ये आंसर अपना कितना आ गया वन आ गया इसका। आगे देखते हैं सेवन नंबर पे चलते हैं, है ना। इसको थोड़ा सा मैं ऊपर कर दे रहा हूँ जिससे आपको इजी हो जाए थोड़ा इसको लिखने में।
तो शायद मुझे लग रहा है दिखाई दे रहा होगा पूरा। जो 7 नंबर रूल्स था अपना वो था डेरिवेटिव, डेरिवेटिव्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में भैया सिंपल सी चीज है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होते हैं उनमें मैंने आपको बताया था क्या कि जो साइन का डिफरेंशिएशन होता है, साइन का डिफरेंशिएशन जो होता है वो क्या होता है, कॉस है ना, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, और कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है फिर भैया, कॉस का जो डिफरेंशिएशन होता है वो माइनस साइन। ऐसे ही टेन का जो डिफरेंशिएशन होता है, टेन का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, और सेक का जो डिफरेंशिएशन होता है सेक का वो होता है सेक सेक एक्स टेन एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। ऐसे डिफरेंशिएशन जो है कॉट का क्या होता है, कॉट एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, कोसेक स्क्वायर एक्स, और डिफरेंशिएशन ऑफ कोसेक एक्स क्या होता है, कोसेक एक्स जो होता है माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, माइनस कोसेक एक्स माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स है ना, ये डिफरेंशिएशन है। अब सिंपल कोई भी आप ले लो डी ओवर डी एक्स, कोई भी एक एग्जांपल ले लो इनमें से उठा के है ना। मैंने आपको बताया कि टेन एक्स का बताया था कैसे करते हैं, मैं यही ले ले रहा हूं। चलो डी ओवर डी एक्स अपन ने ले लिया क्या, कॉट एक्स, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, डी ओवर डी एक्स, अच्छा हटा एक दूसरा डिफरेंशिएशन ले लिया, जैसे अपन ने लिया एक्स साइन एक्स अपॉन एक्स है ना, साइन एक्स अपॉन एक्स ले लिया अपन ने, ठीक। तो यहां पे क्या होगा, इसमें मैंने लगा दिया कोटिएंट रूल, तो यहां पे क्या हो गया एक्स स्क्वायर और ऊपर एक्स को छोड़ के डिफरेंशिएशन किसका, साइन का, तो साइन डी ओवर डी एक्स किसका डिफरेंशिएशन, साइन का, माइनस साइन को छोड़ के और डिफरेंशिएशन किसका, एक्स का है ना, तो यहां पे ऊपर हो गया क्या एक्स और साइन का क्या हो गया कॉस एक्स, एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, और इस वाले जो एक्स का क्या हो गया डिफरेंशिएशन क्या हो गया वन अपॉन क्या हो गया एक्स स्क्वायर, तो क्या आंसर आ गया अपना, अपना आंसर आ गया क्या एक्स, इस वाले एक्स का वन हो गया तो इसको अपन हटा भी दे रहे हैं, ठीक है, तो क्या आ गया एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। अच्छा अब 8 नंबर पे चलते हैं, तो मैंने आपको बताया था डेरिवेटिव्स ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथम्स, डेरिवेटिव्स ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथम, लॉगरिथम, ठीक है, तो डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथम, तो तुम्हें मालूम होगा कि जो e की पावर x है डी ओवर डी एक्स, e की पावर x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो e की पावर x ही होता है ना, और डी ओवर डी एक्स एक और कौन सा था, और अगर मैं बात करूं तो क्या डी ओवर डी एक्स लॉग एक्स, तो जो लॉग एक्स होता है लॉग एक्स का क्या हो जाता है वन अपॉन एक्स, लॉग के साथ में जो, फॉर एग्जाम्पल अब अपन एक एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मैंने ले लिया ई की पावर साइन एक्स, ये दोनों का मिक्स ले लेता हूं यार प्रोडक्ट रूल का है ना, ई की पावर एक्स लॉग एक्स, ठीक है, e की पावर x log x d ओवर dx, e की पावर x
ठीक। तो अब इसको कैसे करेंगे अपन, फर्स्ट और सेकंड, एक को फर्स्ट मान लो और एक को क्या मान लो सेकंड। तो मैंने e की पावर x को फर्स्ट मान लिया और डिफरेंशिएशन कर दिया किस चीज का, log x का, ठीक है, प्लस log x को मान लिया अपन ने छोड़ दिया और किसका कर दिया डिफरेंशिएशन। देखो प्रोडक्ट रूल लगाया e की पावर x इंटू log x, तो पहले हमने फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट को छोड़ के सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड को छोड़ के फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। तो ये जो e की पावर x है और log x का क्या हो गया माय डियर, 1 अपॉन x प्लस log x, है ना, और e की पावर x। अब मैं e की पावर x कॉमन कर दूं अगर तो क्या होगा बताओ जरा, e की पावर x कॉमन कर देंगे तो यहां 1 अपॉन x प्लस क्या हो जाएगा, log x। सिंपल मेथड है। एक और तुम्हें बता देता हूं अच्छा सा एग्जांपल इसका, देखो d ओवर dx log sec x प्लस tan x, ठीक है, d ओवर dx log sec x प्लस tan x, ये लॉगरिथम्स और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पर बेस्ड है। तो पहले log में लगाएंगे, तो log में इसका लगा तो क्या हो गया, 1 अपॉन sec x, 1 अपॉन sec x प्लस tan x, 1 अपॉन sec x प्लस tan x, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं इसमें, अब हम लगा दे रहे हैं चेन रूल, और चेन रूल में मैंने आपको क्या बताया था, इसको अगेन चेन रूल में क्या करते हैं, इसको अगेन ले लेते हैं, किसको, d ओवर dx, किसको ले लिया अगेन, sec x प्लस tan x, sec x प्लस tan x, ठीक है। तो जो ऊपर ये तो ये है, ये 1 अपॉन क्या sec x, यहां लिख देता हूं 1 अपॉन sec x प्लस tan x, ठीक है, ये तो ये हो गया। अब आगे चलते हैं, तो यहां हम अंदर जब जाते हैं तो sec x का क्या हुआ, sec x tan x, sec x इंटू tan x, और प्लस इस tan x का क्या हो गया, sec स्क्वायर x, है ना। अब ऊपर कॉमन क्या है भैया, ऊपर कॉमन है sec x, तो अंदर क्या बचा, tan x प्लस sec x, tan x प्लस sec x, और नीचे नीचे क्या बच, नीचे क्या है, नीचे इसमें है sec x प्लस tan x, और sec x प्लस tan x से, sec x प्लस tan x से ये sec x प्लस tan x से ये sec x प्लस tan x कट गया, तो क्या बच गया, sec x। तो इसका आंसर क्या आ गया, इसका आंसर आ गया sec x। तो ये हमारा एक और कौन सा, डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथम। नंबर पे मैंने ले रखा है कौन सा, चेन रूल, और चेन रूल जो है मैंने लास्ट के लेक्चर में काफी क्वेश्चंस में यूज किया था, डीपीपी में भी मैंने चेन रूल्स के क्वेश्चन दिए। और चेन रूल्स में क्या करते हैं अपन, जैसे ये अगर मैं चेन रूल्स की बात करता हूं, तो जैसे अपने पास है डी ओवर डी एक्स यू की पावर एन, है ना, तो जैसे अपन ने एन पावर रूल्स लगाया, तो एन डी यू ओवर क्या हो गया डी एक्स, एन और u की पावर हो गई n माइनस वन, और u का अगेन, u का अगेन डी यू ओवर डी एक्स, तो u का हमने अगेन कर दिया। ऐसा हम तब करते हैं कि अगर कोई डिफरेंशियल डेरिवेटिव्स लास्ट में जो है कंप्लीट नहीं हो पाता है, तो उसको हम अगेन कर देते हैं, है ना। जैसे देखो अभी अभी मैंने एक एग्जाम्पल बताया था, वो भी इसी में बेस्ड था। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल अपने पास क्वेश्चन आ जाता है डी ओवर डी एक्स, है ना, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन, ठीक। तो हम क्या करेंगे, पहले इसके डी, इसको हमने क्या लिख दिया, इसको हमने लिख दिया क्या, डी ओवर डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वन, और इसकी पावर क्या लगा दी, वन बाई टू, ठीक है। तो अब हम पहले देखेंगे कि इसके जब हम अंदर जाएंगे, तो उससे पहले इसके पावर लगी हुई है कितनी,
वन बाई टू, तो हम पहले पावर का डिफ्रेंसिएशन करेंगे, दैट फिर हम अंदर जाएंगे। तो पहले हमने पावर का डिफ्रेंसिएशन किया वन बाई टू, तो एक्स की एक्स स्क्वायर प्लस वन, और यहां हो गया माइनस वन बाई टू, ये कम कर दी ना पावर। अब अंदर अंदर जाएंगे तो अगेन आ गया डी ओवर डी एक्स, किसका, एक्स स्क्वायर प्लस वन का, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा वन बाई टू, और ये वन अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन, और इसके अंदर गए तो ये क्या हो गया टू एक्स प्लस जीरो, तो टू एक्स टू से टू कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो गया एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन, ठीक है, सिंपल है। और अगर चाहो तो तुम एक और एग्जांपल ले सकते हैं अपन, जैसे मान लो अपन ने ले लिया कौन सा डी ओवर डी एक्स साइन स्क्वायर एक्स, तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम स्क्वायर, देखो साइन का वैसे कॉस होता है बट इस पर स्क्वायर लग रही है तो पहले स्क्वायर का करेंगे। तो पहले पावर का जब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा टू साइन एक्स, ठीक है, पावर एक कम हो गई टू साइन, यू मान ले, ठीक है। अब साइन का करेंगे तो साइन का करेंगे तो डी ओवर डी एक्स, देखो पहले पावर का किया तो पावर आ गई और एक कम कर दिया तो ये हो गया टू माइनस वन यानी कि वन, फिर साइन का अगेन कर देंगे तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है टू साइन एक्स, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो गया कॉस एक्स, तो ये बन गया क्या माय डियर साइन टू एक्स। ये फॉर्मूला है, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला मैंने तो बताया था, टू साइन एक्स कॉस एक्स क्या होता है साइन टू एक्स होता है। तो ये तुम्हारा हो गया चेन रूल, और अब चलते हैं डबल डिफरेंशिएशन। डबल डिफरेंशिएशन से क्या मतलब, डबल डिफरेंशिएशन से मतलब है, अच्छा हाँ मैं बात कर रहा था किस चीज की, डबल डिफरेंशिएशन की, तो डी ओवर डी एक्स और डी वाई ओवर डी एक्स, है ना, डी वाई अपॉन डी एक्स। तो यहां पे हम देख रहे हैं कि वाई जो है उसका एक बार डिफरेंशिएशन हुआ एक्स के रेस्पेक्ट में, और जो डिफरेंशिएशन आया उसको अगेन हमने किसके रेस्पेक्ट में ले लिया एक्स के रेस्पेक्ट में, तो इसको हम लिख देते हैं क्या डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो इसका मतलब समझ जाना, ऐसे लिखा हुआ है इसका मतलब कितनी बार डिफरेंशिएशन करना है, दो बार डिफरेंशिएशन करना है। फॉर एग्जांपल जैसे अपन ने क्या किया, मैंने यहां लिख दिया डी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू, मैंने लिख दिया क्या साइन एक्स, ठीक है, देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू निकाल दो, ठीक है। तो क्या करेंगे बताओ, पहले हम काय की वैल्यू निकालेंगे डी वाई ओवर डी एक्स की, तो इसका डी वाई ओवर डी एक्स क्या हो जाएगा, डी वाई ओवर डी एक्स हो गया इसका साइन एक्स का, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो गया कॉस एक्स हो गया कि नहीं हो गया। अब अगेन अगेन करेंगे यानी कि डी ओवर डी एक्स किसका, डी वाई अपॉन डी एक्स का, तो डी वाई ओवर डी, अच्छा चलो यहां लिख दे रहा हूं तुम्हें समझ में नहीं आए तो डी ओवर डी एक्स क्या लिख दे रहा हूं साइन एक्स, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आ गया माय डियर कॉस एक्स। तो अब देखो यहां पर डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू कितनी निकाली अपन ने कॉस एक्स, तो यहां डी ओवर डी एक्स क्या कॉस एक्स, और कॉस एक्स का क्या होता है माइनस साइन एक्स, तो क्या आ गया डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर आ गया अपना कितना माइनस साइन एक्स। तो ये जो है डबल डिफरेंशिएशन हो रहा है, यहां पे एक बार डिफरेंशिएशन हुआ कॉस, कॉस का अगेन डिफरेंशिएशन हो गया माइनस साइन, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर हो गया माइनस के साइन एक्स। तो ये था डबल डिफरेंशिएशन। तो चेन रूल का मैं एक क्वेश्चन और ले रहा हूँ, और एप्लीकेशंस जो है हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, क्योंकि ये वीडियो जो है लेंथी होता जा रहा है, और मैंने आपको बताया था कि
20 to 25 मिनट्स के लिए अब हम वीडियो डालेंगे, जिससे कि आप लोगों को क्या है नेटवर्क की प्रॉब्लम्स नहीं आए, आपका जो डेटा है वो सारे सब्जेक्ट्स में काम में आ जाए। तो ये एक मैं और क्वेश्चन ले ले रहा हूँ, डी ओवर डी एक्स ई की पावर साइन एक्स, ठीक है। तो हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, ई जो ई है इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो ई का जो डिफरेंशिएशन होता है वो ई की पावर क्या हो गया, साइन एक्स, क्वेश्चन का क्वेश्चन आ गया है ना। अब हम क्या करेंगे, साइन एक्स जो है इसका अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे बाई चेन रूल। तो डी ओवर डी एक्स क्या हो गया, साइन एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ई की पावर साइन एक्स, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है माय डियर, कॉस एक्स। तो कॉस एक्स को मैं आगे लिख लूं तो ये कॉस एक्स इंटू ई की पावर क्या आ गया, साइन एक्स, ठीक है। तो ये चेन रूल का, और भी काफी सारे क्वेश्चंस हैं, देखो क्वेश्चंस की कोई लिमिट नहीं है, बट आपको सारे रूल्स जो है वो प्रॉपर आने चाहिए, है ना। तो यहाँ पे मैंने तुम्हें करीब 9 to 10 रूल्स करा दिए हैं, और ये जो डिफरेंशिएशन के सारे रूल्स कंप्लीट हो गए हैं, उनका रिवीजन हो गया है, और अब हम सीखेंगे डिफरेंशिएशंस की एप्लीकेशन नेक्स्ट वीडियो में। उसके बाद हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा डिफरेंशिएशन, और फिर हम चलेंगे इंटीग्रेशन पे। तो स्टूडेंट्स, ये जो वीडियोस हम डाल रहे हैं, अगर इनसे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स आती है तो आप पर्सनली टेलीग्राम ग्रुप पर या व्हाट्सएप ग्रुप पर मेरे को सेंड कर सकते हैं, या मेरे को फ़ोन करके भी अपनी प्रॉब्लम्स पूछ सकते हैं। और वो नंबर मैंने आपको पहले भी बताया था, है ना, 9782919599। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।